दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। आई इंडिया पे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा, खतौली व रामपुर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। गुरुवार को भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक के नाम दिए गए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में किन बड़े बड़े नेताओं को जगह मिली है, इसकी जानकारी देने के लिए फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु, बताएं सूची में किन किन दिग्गजों को जगह दी गई है। जी प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा व मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी में जो है, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, उनके निधन के बाद जो है ये सीट खाली हुई है। और वहीं रामपुर व खतौली की बात करें तो रामपुर और खतौली में जो है, रामपुर में आजम खां और खतौली में विक्रम सैनी की जो सदस्यता है वो रद्द की गई थी, तो जिसके बाद यहाँ इन तीनों जगह पे उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी में जो है सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है डिंपल यादव, पूर्व सांसद, वो सपा से मैदान में है। वहीं उनके सामने बीजेपी के रघुराज शाक्य जो है उनको टिकट दिया गया है। रामपुर की बात करें तो हासिम रजा सपा के प्रत्याशी हैं, वहीं भाजपा से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं खतौली की हम अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 4 बार के विधायक दिग्गज मदन भैया को सपा रालोद जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने विधानसभा में भी मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, सपा रालोद के प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी ने राजकुमार सैनी को प्रत्याशी बनाया है। तो इन तीनों सीटों पर भाजपा इन तीनों सीटें जीतने के लिए इतना सक्रिय है, इसे लोकसभा का सेमीफाइनल लेके चल रही है। जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा सीट में भी भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों को जगह दी थी, वहीं इस बार जो आज सूची जारी हुई है गुरुवार को, उसमें भाजपा ने जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, उसमें हम बता दें कि केंद्रीय रक्षा, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। फिर बात करेंगे तो राधा मोहन सिंह जो सांसद हैं, इन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। फिर भूपेंद्र सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, उन्हें भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वहीं ब्रजेश पाठक, इन्हें भी जो है स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। और अगर हम आगे बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो प्रदेश सरकार में हैं धर्मपाल, इन्हें जगह दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, साध्वी निरंजन ज्योति, इन बड़े दिग्गजों को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। इसके बाद सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, स्वतंत्र देव सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, बेबी रानी मौर्य जो पूर्व राज्यपाल थी और कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। इसके बाद बात करें तो कपिल देव अग्रवाल, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जेपीएस राठौर, गिरीश यादव, तो ये बड़े बड़े नाम हैं। इसके बाद हम बात करें तो असीम अरुण प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, बलदेव सिंह औलक राज्य मंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार में, नरेंद्र कश्यप ये भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, जसवंत सैनी ये भी राज्य मंत्री हैं, दानिश आजाद अंसारी, मुख्तार अब्बास नकवी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं ये, रामशंकर कठेरिया जो कि सांसद हैं, राजवीर सिंह राजू भैया, सुब्रत पाठक, गीता शाक्य, धर्मेंद्र कश्यप, हरनाथ सिंह यादव ये राज्यसभा सांसद हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि एक भोजपुरी सुपरस्टार हैं और सांसद भी अभी हुए हैं।
अश्वनी त्यागी जो MLC हैं, राम नरेश अग्निहोत्री पूर्व मंत्री व विधायक, चौधरी वीरेंद्र सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह जो MLC हैं, मोहित बेनीवाल क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा रजनीकांत माहेश्वरी, सत्यपाल सैनी, मानवेंद्र सिंह लोधी, तो ये 40 स्टार प्रचारक भाजपा ने उतारे हैं मैदान में जो आगामी 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटों पर। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भाजपा की स्थिति साफ है कि वो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल को समझकर यह चुनाव लड़ रहे हैं तीनों उपचुनाव में, और बड़े बड़े दिग्गजों को इस सूची में जगह दी गई है। आप बात करें, रक्षा मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश सरकार के दोनों उपमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, तो बड़े बड़े नेताओं और सांसदों को इस सूची में जगह दी गई है। तो फिलहाल भाजपा गोला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की तरह ये जो तीन सीटें हैं, दो विधानसभा की सीटें और एक लोकसभा की सीटें, इनको भी जीत कर अपनी झोली में डालने का पूरा प्लान भाजपा द्वारा बनाया गया है। और आपको बता दें कि जो मैनपुरी की सीट है वो सपा का गढ़ मानी जाती है, तो इसमें भी सेंध लगाने की भाजपा की पूरी तैयारी है। जी प्रांशु, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन उपचुनावों को लेकर भाजपा कितनी सक्रिय है, और इस बात से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें सभी दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने प्रांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।